हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास यहां पे दो फ़ोन है और दोनों ही फ़ोन से रियलमी की तरफ से है। एक है रियलमी 5 और दूसरा जो फ़ोन है वो रियलमी 5S। दोनों ही फ़ोन्स का यहां पे स्पेसिफिकेशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, दोनों ही फ़ोन्स का अनबॉक्सिंग करके लुक्स, डिज़ाइन, डिस्प्ले और बाकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूंगा। कैमरा रिव्यू करके देखेंगे कि कौन सा फ़ोन का कैमरा ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस वीडियो को देखते रहिए, चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। सबसे पहले यहाँ पे रियलमी 5 को लेते हैं। इसमें मेंशन किया गया है 5000 mAh का बैटरी और क्वाड कैमरा। नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी की तरफ से ये फ़ोन है। बाकी कैमरा फीचर्स को लेके बात करूँ, इसमें 12+8+2+2 मेगापिक्सल का 4 कैमरा है और जो फ्रंट कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है। 6.5 इंचेस का यहाँ पे वाटर ड्रॉप स्क्रीन मिलेगा। 198 ग्राम इस फ़ोन का वजन है। 5000 mAh का बैटरी और इस फ़ोन में आपको 3 वेरियंट देखने को मिल जाता है, 3GB 32GB 4GB 64GB या 4GB 128GB। रियलमी 5S की बात करें तो इसमें आपको 48 का क्वाड कैमरा पावर हाउस, 5000 mAh का बैटरी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर। बाकी अगर बात करें स्पेसिफिकेशंस को लेके तो इसमें आपको 48+8+2+2 मेगापिक्सल का 4 कैमरा पीछे देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6.5 इंचेस का यहाँ पे वाटर ड्रॉप स्क्रीन रहेगा, 198 ग्राम इस फोन का वजन है और 5000 mAh का बैटरी और इस फोन में आपको 4GB 64GB या फिर 4GB 128GB वेरियंट देखने को मिलेगा। जैसे ही इन दोनों फोन्स को अनबॉक्सिंग करते हैं कुछ इस तरह से हमें सेक्शन मिल जाता है इन दोनों फोन्स के ऊपर और इन दोनों फोन्स के सेक्शन को खोल के देखते हैं कि क्या प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन रियलमी की तरफ से और बाकी केस कवर इन दोनों फोन्स के साथ में आपको देखने को मिल जाता है और बाकी कुछ इस तरह से हमें दोनों ही फोन्स प्रोटेक्शन के साथ में देखने को मिल जाता है और यहाँ पे देख सकते हो बाकी एक दोनों ही फोन्स में अडॉप्टर और साथ ही साथ माइक्रो USB केबल प्रोवाइड कर दिया गया है। टाइप सी दोनों ही फोन्स में नहीं है और बाकी अगर बात करें चार्जर को लेके तो इसमें आपको 10 वोट चार्जर सपोर्ट करता है ये अडॉप्टर और फ़ोन में भी आपको 18 वोट फास्ट चार्जिंग या फिर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिलता दोनों ही फोन्स में, लेकिन आपको यहाँ पे 10 वोट चार्जर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इन दोनों फ़ोन्स का लुक्स एंड डिज़ाइन देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक्स एंड डिज़ाइन है दोनों ही फ़ोन्स में। यहाँ पे कलर जो है वो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में है और दोनों ही फ़ोन्स में यहाँ पे डायमंड का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है दोनों ही फ़ोन्स में। और यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही फ़ोन्स का फिजिकल ओवरव्यू, यहाँ पे क्वाड कैमरा, LED फ्लैश और बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर 5S में, और नीचे यहाँ पे रियलमी का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाता है। नीचे स्पीकर ग्रिल, माइक्रो USB पोर्ट, एक माइक, सेकेंडरी माइक, 3.5mm ऑडियो जैक और यहाँ पे वॉल्यूम रकर और सिम ट्रे, दोनों ही फ़ोन्स का यहाँ पे सिम ट्रे, ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाएगा और बाकी पावर बटन। तो फिजिकल ओवरव्यू की लेके बात करें तो डेफिनेटली दोनों ही फ़ोन्स का यहाँ पे सेम फिजिकल ओवरव्यू, लुक्स एंड डिज़ाइन है। इस फ़ोन में भी आपको सेम वही सारी चीज़ देखने को मिल जाता है जो रियलमी 5S की फिजिकल ओवरव्यू में देखने को मिला था। दोनों ही फ़ोन्स में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, सेम यहाँ पे बॉडी का इस्तेमाल किया गया है, क्वाड कैमरा सेटअप, फिंगरप्रिंट स्कैनर, बाकी यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिलता रियलमी 5A या फिर रियलमी 5S में। तो यहाँ पे लुक्स, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई भी आपको यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा रियलमी 5 एंड रियलमी 5S में। आपको यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही फ़ोन्स का सेम यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी या फिर डिज़ाइन है। अगर बात करें दोनों फ़ोन्स की डिस्प्ले को लेकर, दोनों ही फ़ोन्स में आपको सेम तरह की डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो साइज़ है वो सेम है। 6.5 इंचेस का यहाँ पे वाटर ड्रॉप स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है और बाकी इन दोनों फ़ोन्स में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी रहेगा और यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है वो भी सेम है, HD+ रिजोल्यूशन के साथ में ये दोनों ही फ़ोन का डिस्प्ले आता है। तो इन दोनों फ़ोन्स का डिस्प्ले को लेकर यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको इन दोनों फ़ोन्स में जो डिस्प्ले क्वालिटी या फिर डिस्प्ले साइज़ मिलता है वो सेम साइज़ का है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है रियलमी 5 एंड रियलमी 5S में। वैसे मैं अगर बात करूं इन दोनों फ़ोन्स के परफॉर्मेंस को लेकर, जो इन दोनों फ़ोन्स में चिपसेट यूज़ किया गया है, दोनों ही फ़ोन्स में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। जी हाँ, कोई भी यहाँ पे रियलमी 5 एंड 5S
का जो यहाँ पे प्रोसेसर है, जो चिपसेट है, उसमें डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही फोन्स में आपको यहाँ पे सेम चिपसेट यूज़ किया गया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665। बाकी दोनों ही फोन्स में जो एंड्रॉयड वर्जन मिलेगा वो भी यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 9 का इस्तेमाल किया गया है। और बाकी जो भी यहाँ पे कलर ओएस का इस्तेमाल किया गया है, कलर ओएस 6.0.1, यानी दोनों ही फोन्स का परफॉर्मेंस सेम देखने को मिलेगा, गेमिंग हो या फिर बाकी स्पीड के मामले में कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं किया गया है परफॉर्मेंस को लेके। यहाँ पे अबाउट फोन पे देख सकते हो, यहाँ पे कलर ओएस 6.0.1, एंड्रॉइड 9 यहाँ पे, और साथ ही साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। वैसे मैं इन दोनों फ़ोन्स का बैटरी को लेके बात करूँ, इन दोनों फ़ोन्स में आपको जो बैटरी मिलता है वो भी सेम रहने वाला है, 5000 mAh का बैटरी दोनों ही फ़ोन्स में इस्तेमाल किया गया है, तो बैटरी परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा होगा। लेकिन दोनों ही फ़ोन्स में आपको सेम तरह की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, 5000 mAh का बैटरी, वो भी 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। वैसे में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया गया है यहाँ पे कैमरा के मामले में। जो यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है Realme 5 में वो 12+8+2+2 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का, और Realme 5S में आपको प्रो मोड में 48 मेगापिक्सल का फोटोज क्लिक कर सकते हो, और बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए यहाँ पे 8 मेगापिक्सल, बोके इफेक्ट के लिए 2 मेगापिक्सल, एंड यहाँ पे मैक्रो लेंस यूज किया गया है 2 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे सिर्फ प्रो मोड में आप 48 मेगापिक्सल का फोटो क्लिक कर सकते हो Realme 5S में, बाकी दोनों ही फोन्स का कैमरा सेम है, रियर हो या फ्रंट हो। तो अब तक के हमें जो चेंजेस मिला है दोनों फोन्स के बीच में, वो Realme 5S में यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलेगा, और दोनों ही फोन्स का एपरेचर जो 1.8 के साथ में आता है, और दोनों ही फोन्स का फिजिकल एपरेचर भी सेम है, और जो फ्रंट कैमरा है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। दोनों ही फोन्स का यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है। कुछ फोटोज़ यहाँ पे क्लिक किया है मैंने इन दोनों फोन्स से, हम देखते हैं फिलहाल कुछ फोटोज़ जो इन्हीं फोन्स के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, और क्वालिटी कैसा प्रोवाइड करते हैं देखने की कोशिश करेंगे। दोनों ही फोन्स में यहाँ पे वीडियो में स्लो मोशन का वीडियोस भी क्लिक कर सकते हो आप। यहाँ पे Realme 5S देख सकते हो, ये 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो Realme 5S का यहाँ पे कैमरा क्वालिटी है वो डेफिनेटली अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हो लो लाइट का फोटो है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी हमें देखने को मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का नेचुरल फोटोज प्रोवाइड करता है, और क्वालिटी भी बेहतरीन है। यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा रियर कैमरा जो 48 मेगापिक्सल का है, और क्वालिटी डेफिनेटली शानदार है Realme 5S का। अब फिलहाल देखने की कोशिश करेंगे Realme 5 का फोटो, यहाँ पे Realme 5S को छोड़ के फिलहाल Realme 5 का कैमरा देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रियर कैमरा ये देख सकते हो 12 मेगापिक्सल का, और जिसका अपर्चर f1.8 है, और यहाँ पे भी अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। जो फ्रंट कैमरा है वो भी यहाँ पे डेफिनेटली Realme 5 का भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हो डिटेल के मामले में। और दोनों ही फ़ोन्स का यहाँ पे मैं कहूँगा 48 मेगापिक्सल को छोड़ के, लेकिन बाकी जो क्वालिटी प्रोवाइड करता है दोनों ही फ़ोन्स, सेम यहाँ पे क्वालिटी हमें नज़र आता है, कोई भी खास डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पे फोटो रेशियो ज़्यादा मिलेगा आपको Realme 5S में। वैसे मैं इन दोनों फ़ोन्स का कैमरा क्वालिटी को लेकर क्या कहना है आपका, कौन सा फ़ोन का कैमरा क्वालिटी बेटर है, नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं हमेशा आपका कॉमेंट का इंतज़ार करता रहता हूँ, तो नीचे कॉमेंट करना ना भूलें। वैसे मैं अगर बात करूं इन दोनों फ़ोन्स की सिक्योरिटी को लेकर, तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और साथ ही साथ फेस अनलॉक दोनों ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी को ताकत करते हुए फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक डेफिनेटली अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन फेस अनलॉक इतना कुछ खास सिक्योर नहीं है जितना पिन बटन पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर है। यहाँ पे Realme 5S का यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक थोड़ा सा मुझे लगता है इस फ़ोन का धीमी है, स्लो है फेस अनलॉक, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देख सकते हो थोड़ा सा फास्ट मुझे नज़र आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे परफॉर्मेंस फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेके थोड़ा फास्ट है, लेकिन थोड़ा सा स्लो लगा फेस अनलॉक। इस फोन में मुझे फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा फास्ट नज़र आ रहा है अगर कंपेयर करो Realme 5S से। फिंगरप्रिंट देख सकते हो आप, डेफिनेटली अच्छा यहाँ पे फिंगरप्रिंट परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यही था Realme 5 एंड 5S का अनबॉक्सिंग एंड कंपैरिजन। वैसे में इन दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन आपको बेटर लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब फिलहाल बात करता हूँ इन दोनों फ़ोन्स के प्राइस को लेके। जो Realme 5 है उसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 3GB RAM, 32GB ROM, जिसका प्राइस 8999,
जो 4GB रैम 64GB स्टोरेज है उसका प्राइस है 9999 और 4GB 128GB स्टोरेज जो है उसका प्राइस है 10999। Realme 5S में आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 4GB रैम 64GB का जो प्राइस है वो 9999 है और 4GB 128GB का जो प्राइस है वो 10999 है। तो प्राइस जो है वो भी सेम है और लेकिन यहाँ पे Realme 5S में सिर्फ 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, प्रो मोड में फोटोज क्लिक कर सकते हो, वही डिफरेंसेस है, बाकी दोनों ही फोन सेम है और प्राइस भी सेम है। तो मुझे लगता है Realme 5 को छोड़ के Realme 5S लेना बेहतर है। तो यही था दोनों फोन्स का अनबॉक्सिंग एंड कंपैरिजन। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।